झांसी जिले में कई किसान संगठनों ने सड़कें जाम की एवं कई किसान संगठनों ने ज्ञापन देकर इतिश्री की। झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुंदेलखंड किसान यूनियन अराजनैतिक ने गरौठा चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। उक्त दौरान महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को दिया, जिसमें MSP पर गारंटी देने एवं किसानों के लिए बनाए गए तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, चक्का जाम किया है, क्या मांगे रही आप लोगों की? हम लोगों की मांगे रही है कि तीन कृषि कानून बिल है वो वापस ले और MSP पे कानून बने। और कौन कौन सी मांगे हैं आप लोगों की जो आप लोगों का चक्का जाम करना पड़ रहा है? हम लोगों के मुख्य मांग है हम लोगों की तीनों कृषि बिल वापस ले। जो चक्का जाम हुआ है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है करीब करीब 70-75 दिन से, और वहाँ संयुक्त मोर्चा ने जो आदेश किया था देश भर में जो चक्का जाम का, उस आदेश को हम लोगों के जो अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड किसान यूनियन के, उनका आह्वान हुआ था कि पूरे बुंदेलखंड में जगह जगह चक्का नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। उसी आदेश को लेकर हम लोग ये जाम कर रहे हैं। जो तीन कृषि कानून जो सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए उनका विरोध करते हैं और MSP गारंटी कानून की मांग करते हैं, और सरकार को यह चक्का जाम से अवगत कराना चाहते हैं कि ये किसान पूरे देश का उग्र है, आप जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस लें। आज जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे चक्का जाम किया गया है, क्या मांगे रही किस द्वारा आप लोगों को चक्का जाम किया? बस थोड़ी सी मांग है भाई, भाई यहाँ की मतलब जो काले कानून वापस हो, किसान जो जैसी लाभ मतलब जो कछु है जो बस किसानन को किसान को हक किसान का मिलो चाहिए बकाया। और दूसरी बात को हमें खाली किसान से मतलब है, हमारे किसानन का मतलब दिक्कत नहीं कोनो जा सकती। मऊरानीपुर एरच राजमार्ग पर ग्राम रेवन के पास किसान इकट्ठा हो गए एवं मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस ने जाम खुलवाया। मऊरानीपुर से पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।